तो उठलम थे मेरे शौन नन थे मेरे प्यार तो पेश से तमर सामान आज विषय आज मैं जानू राम मंदिर देखने राम लला की दर्शन। तो क्या बोलोगे? जय श्री राम। तो चला जाए, बाय बाय, से यो, दिखाते हैं आपको अयोध्या के राम मंदिर। लॉकडाउन खुलने के बाद पूरा बैरिकेड है, मनगढ़ी लिखा भी है वो दिखारे से। तो सब इतनी मिठाई की दुकान है यहाँ पे, इधर चलेंगे जब चले। जय श्री राम, जय श्री राम। अमाव मंदिर ना, अमावा, अमावा मंदिर। अभी पहुंच गया सामने, पहुंच गया, गेट उठ खुलवा दिया। अभी थोड़ी देर में करते हैं जब तो यहां पर गाड़ी पार करने के पश्चात हम लोग निकल पड़े राम जन्मभूमि की ओर, जहां श्री रामचंद्र जी पैदा हुए थे। मैं यहाँ यह बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर न पर्स न कैमरा कुछ भी ले जाने नहीं देते हैं, मोबाइल भी नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने वहाँ बैठ के बहुत ही आनंद से प्रभु राम जी का दर्शन किया, बहुत ही मन गदगद, बहुत ही खुशी हुई रामलला का दर्शन कर। उसके पश्चात किया हमने अमावा मंदिर का दर्शन। हर जगह तीन सेट में मिलेगा। अच्छा, दुर्गा जी का देखिए, एक नीचे है दुर्गा जी, एक यहाँ, एक तीन सेट है ना। अच्छा, वो हर मंदिर में आपको मिलेगा तीन का सेट, सबका बैकग्राउंड चेंज मिलेगा। सर ऊपर देखिए लिखा है अमावा की कारीला, दो अलग अलग रियासत है, देखेंगे दो फ्लैग है, दोनों तरफ दो फ्लैग है। तो महारानी जो थी टिकारी की बेटी थी। अच्छा अच्छा, और इकलौती संतान थी। अच्छा अच्छा अच्छा, और जहाँ शादी हुआ वहाँ का भी राजा हो गया, तो दो जगह की वो सल्तनत की मार की, इसीलिए दोनों को कंबाइन कर दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा, अमावा और टिकारी। अच्छा, टिकारी दो अलग अलग राज्य, दोनों दो डिस्ट्रिक्ट, एक गया में है एक नवादा में। अच्छा अच्छा, ये मार अन्नपूर्णा दीक्षा देते हैं, उनका झोली कभी खाली नहीं होता, इनका कभी भरता नहीं। इनका कभी भरता नहीं है। अच्छा अच्छा, माने क्या लीला है। और वो मार्कंडे जी हैं जो 12 अल्प आयु में जिनकी मृत्यु निश्चित थी। हाँ जी, हाँ जी, 12 साल की आयु में उनकी मृत्यु, तो उन्होंने शिव का बहुत उपासना और तपस्या किया। अच्छा अच्छा, और जब यमराज लेने आ गए तब उन्होंने शिवलिंग को पकड़ा, ओम ने वो शिवाय किया, शिव जी प्रकट होके उनको जी आयु को माने बढ़ा दिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्टिवर्धन उर्वर वेन्द्रनाथ बिंदम मुक्ति मामेत। एक मूर्ति कम लग रही होगी, आगे शिफ्ट कर दिए हम लोग। अच्छा अच्छा, इसी में आगे कर दिए। और ये चलंत मूर्ति है, यहाँ पर आ जाते हैं झूला पे। अच्छा अच्छा, 11 बजे राम रसोई शुरू होने से पहले। अच्छा अच्छा, आ जाते हैं चलंत मूर्ति। हाँ, छोटे चलंत होते हैं। अच्छा अच्छा, वो सब बड़े प्रतिष्ठित हो गए, वो इधर उधर हिलेंगे नहीं। और ये इनको झूला पर या नगर भ्रमण जहाँ भी सब में देखे होंगे छोटे। हाँ हाँ हाँ,
थोड़ा सा अलग है, कुछ इसमें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, कुछ अनकम्फर्टेबल नज़र आ रहा होगा जो शास्त्रों में वर्णित नहीं, मूर्ति में जो वो होता है नहीं कुट टाइप का निर्माण, ओ बच्चे नहीं माने ऐसा कोई नहीं, ऐसा प्रसंग ही नहीं, कोई प्रसंग वो तो बच्चे और माँ आई हैं तो बच्चे रह गए, माँ चली गई धरती के नीचे, सिंहासन वो बैठ कहाँ पर, लेकिन रानी का इमेजिंग था कि ऐसा होता तो खुशी परिवार होता। अच्छा अच्छा ये रानी है, अच्छा 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 यही बनाई है, ओके ये राजा इनके पति हो गए, सबसे पीछे सरजू माता है, आगे वही राम। तो अब हम आपको दिखाते हैं भगवान रामचंद्र जी के बाल रूप। बदहूं बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो। नक्शा जो किसी से ब्रिटिश लाइब्रेरी से लिए थे सर, किसी का रेफरेंस देखते वहाँ पर नक्शा ये 622। अच्छा ये कहाँ का मंदिर का नक्शा? राम जन्मभूमि का। हाँ है ना, ये तीन भवन था। और ये कब की किताब है? ये तो साहब ने लिखा है अभी। अच्छा अच्छा, ये नक्शा जो है अ फोटोग्राफी ऑफ द एग्जैक्ट बर्थ प्लेस ऑफ रामा। हाँ अच्छा, रामचंद्र जी यहाँ पैदा हुए थे। हाँ अब ये पढ़ेंगे आप। हाँ हाँ हाँ, दो भैरव लिखी उन्होंने। अच्छा अच्छा, अब हम जा रहे हैं कन्हा भगवान दर्शन करने के लिए। आज फिर भी सर ये बगल में दशरथ महल जिसके लिए बोल रहे थे, लेकिन हम लोग बाद में इसको दर्शन करना चाहते हैं। ये और यहाँ पे मतलब अगर अयोध्या में अगर आदमी आया है तो कनक भवन हनुमानगढ़ी ये दो दर्शन, मतलब जन्मभूमि तो देखना ही है, ये सबसे जरूरी है और सबसे मतलब वो है। मतलब ये सब आप ही सबका आदेश है, कोई बात नहीं। ना 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 प्रसाद ले लेंगे। अच्छा त्रेता में राजा दशरथ जी ने यहीं पर सोने का महल केके के लिए बनवाया था। त्रेता में राजा दशरथ जी ने सोने का महल केके के लिए बनवाया था। मतलब सोने का महल। अच्छा अच्छा अच्छा, कनक मैंने सुना होता है। यस यस, त्रेता में राजा दशरथ जी ने सोने का महल यहाँ केके के लिए बनवाया। अच्छा अच्छा, केके जी ने जो सीता जी का मुँह देखा तो मुँह दिखाई में गिफ्ट दिया। अच्छा, केके जी ने दिया ये? अच्छा अच्छा, ये तीन जोड़ी में जो है, बड़ी जोड़ी छोटी जोड़ी फिर उससे छोटी। देखो मैंने पहली बार सर, पहली बार हम तो कई बार सर। हाँ तो बताए, पहली जोड़ी जो बड़ी वाली है वो वर्तमान समय की, प्रेजेंट टाइम की, और जो छोटी है वो विक्रमादित्य समय की, और नीचे उसके है वो बहुत प्राचीन।
नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान जी। ये है नरसिंह भगवान जी। दर्शन करके हम लोग अब निकल रहे हैं। तो आज का जो है बहुत अच्छा रामलला का दर्शन करवाया। क्या नाम है आपका? रवि। रवि, रवि ने, तो रवि ने जो है बहुत अयोध्या का दर्शन आज हमको कराया है। और कहाँ कहाँ? कनक भवन भी बहुत सुंदर लगा। हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी है ना के बाद। जय श्री राम। तो कस लग भल लगी? तो इसी तरह से कुछ न कुछ बातें
चेचवा चैनल में करते रहेंगे दुखी कला की मुलाकात। चेचवा, हा हा, धन्यवाद।